नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया T20 वर्ल्ड कप 2024 का सेमीफाइनल महामुकाबले में भारत के शानदार जीत से खुश हैं, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आखिरी ओवर में टीम इंडिया को जीत के लिए 22 रनों की जरूरत थी और क्रिस जॉर्डन के इस ओवर में टीम इंडिया की तरफ से सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम इंडिया को जीत दिला दी। तो दोस्तों, पूरी हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल महामुकाबला प्रोविडेंस क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां दोस्तों मुकाबले की शुरुआत हुई इंग्लैंड के टॉस जीतने को लेकर, जहां दोस्तों इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वही विपक्षी टीम भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ओपनिंग करने मैदान उतरे। वहीं इंग्लैंड की तरफ से पहला ओवर डालने आए जोफ्रा आर्चर। वहीं दोस्तों रोहित शर्मा ने ओवर की तीसरी ही गेंद पर चौका जड़ दिया। हालांकि पहले ओवर से सिर्फ 5 रन ही आए। वहीं विराट कोहली ने 2 गेंद खेली लेकिन अभी खाता नहीं खोल सके हैं। इसके बाद इंग्लैंड की ओर से दूसरा ओवर डालने आए मार्क वुड और आते ही भारत को पहला झटका दे दिए, जहां विराट कोहली बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए। आपको बता दें कि विराट कोहली मात्र 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस समय भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर मात्र 15 रन था। इसके बाद भारत की तरफ से मैदान में उतरे ऋषभ पंत। इसके बाद इंग्लैंड की तरफ से तीसरा ओवर डालने आए सैम करन। ऐसे में दोस्तों विकेट गिर जाने के चलते मैदान में खड़े दोनों ही बल्लेबाज अब धीमी गति से भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा कहां रुकने वाले थे और रोहित शर्मा ने अपना हाथ खोलते हुए चौके छक्के का बारिश कर दिए और इस ओवर में हिटमैन ने 29 रन बटोर लिए। वहीं रोहित शर्मा ने 11 गेंद में 34 रन बनाकर खेल रहे थे। वहीं दोस्तों 5 ओवरों के बिताने के बाद टीम इंडिया का स्कोर 42 रन पहुंच चुका था, जहां दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 2 चौके और 3 छक्के के मदद से 42 रन बनाकर खेल रहे थे। वहीं दूसरे ओर खड़े बल्लेबाज ऋषभ पंत रोहित शर्मा का बखूबी साथ दे रहे थे। इसके बाद दोस्तों 7वां ओवर डालने आए मोइन अली। वहीं मैदान खड़े दोनों भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ने 1 छक्का मारा तो वहीं 1 छक्का ऋषभ पंत ने भी जड़ दिया। अब भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 55 रन हो चुके थे। इसके बाद दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने आए रीस टॉपले और आते ही ऋषभ पंत को कैच आउट करा दिया। अब भारत का दूसरा विकेट गिर चुका था। आपको बता दें कि ऋषभ पंत ने 14 गेंद में 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद भारत की तरफ से मैदान में उतरे सूर्य कुमार यादव। इस समय भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 63 रन हो गया था। वही रोहित शर्मा 29 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद दोस्तों 10वां ओवर डालने आए क्रिस जॉर्डन और इधर मैदान में खड़े दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने आक्रामक रूप अपनाते हुए इंग्लैंड गेंदबाजों को कूटना जारी रखा। वही रोहित शर्मा 76 रन बनाकर खेल रहे थे और सूर्य कुमार यादव 14 रन बनाकर रोहित शर्मा का पूरा साथ दे रहे थे। इसके बाद 12वां ओवर डालने आए इंग्लैंड के गेंदबाज आदिल रशीद और आते ही कप्तान रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिए। आपको बता दें रोहित शर्मा 41 गेंदों में 75 रन बनाए, हालांकि वो शतक बनाने से चूक गए। इसके बाद भारत की तरफ से मैदान में उतरे शिवम दुबे। अब यहां से दोनों ही भारतीय बल्लेबाजों ने धीमी गति से रन बनाना सही समझा। इसके बाद 13वां ओवर डालने आए सैम करन। वही शिवम दुबे ने सैम करन के दूसरे गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और इस ओवर में टोटल 13 रन आए। अब भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 122 रन पहुंच चुका था। इसके बाद 14वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर और मैदान पर खड़े सूर्य कुमार यादव ने अपना हाथ खोलते हुए एक शानदार छक्का जड़ दिया। वहीं सूर्य कुमार यादव 13 गेंद में 35 रन बनाकर खेल रहे थे। इसके बाद इंग्लैंड की ओर से 15वां ओवर डालने आए मार्क वुड।